એટલે ભાજી બેન કે તું શું ચાલી નું કોંગુ આ बोला बछड़ी छोड़ दे। महेश भाई ने बछड़ी छोड़ दी और पीछे जो है कि जितना भी दूध था वो पूरा जो है कि कर गई खत्म। और भाई कल से जो है कि वो पड़ गई है बीमार। शाम को भी उसने कुछ दूध नहीं पिया है। तो मैंने जो है कि भाई आज उसकी मिल्किंग नहीं की। मैंने बोला अभी सूरज भाई आने के बाद सूरज भाई तू ही मिल्किंग कर, क्योंकि कम ज़्यादा दूध हो जाएगा वो बच्चा मर जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैंने बोला भाई इतना ही दूध देती है। कल जो है कि उसने 2-2.5 लीटर दूध दिया था, तो मैंने बोला ये इतना ही देती होगी। बच्चा ने ज़्यादा पी लिया, रोज पीता है उससे ज़्यादा पी लिया और बच्चा बीमार पड़ गया। तेरा बच्चा कहाँ पे गया? इसका बच्चा जो है कि बांध दिया है, अभी भी जो है कि वो मेरे को मारने के लिए आती है। ये पोपट मामा की सबसे बड़ी गाय है, जो कि अभी 2-4 दिन में की बच्चा दे देंगी फाइनली ये वाली। और मामा भी लगभग मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन में जो है कि आ जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं अभी मामा कब तक आते हैं। ये नेट जो है कि पूरा निकाल दिया है, देखो कैसा कर दिया। तो ये पूरा नेट जो है कि आज टाइम मिले तो ठीक करना है। ये साइड तो सिर्फ ऊपर ही लटकाना है, लेकिन वो साइड जो है कि 1-2 जगह पर फाड़ दिया है तो वो ठीक करना है। तो देखते हैं आज टाइम मिला तो फटाफट से कर देंगे ठीक। चलो मिल्किंग वगैरह सब हो गई है, सिर्फ ये एक गाय की मिल्किंग बाकी है। और आज हमें प्याज की पत्ती भी भरने के लिए जाना है, देखते हैं टाइम मिला तो वो भी काम ख़त्म करेंगे। फिलहाल जो है कि दोस्तों गाय छोड़ना है, एक गाय का मिल्किंग करना बाकी है। और अभी जो है कि 9 बज रहे हैं, अभी तक जो है कि ट्रैक्टर नहीं आया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? हम सब कैसा? आई होप आप सब मौज में हो। मैं एकदम मौज में हूँ। तो फिलहाल जो है कि मामा जो है कि लगभग तो कल आ जाएंगे। कल आने के बाद जो है कि मामा की जो गाय है वो कल वापस चली जाएंगी। मामा जो है कि कल आज निकले तो कल आएंगे और कल निकले तो परसों आएंगे। परसों आ गए तो कल या परसों 2 दिन में जो है कि मामा की जितने भी गाय हैं वो वापिस चली जाएंगे। लिलिया लिलिया को आज महेश भाई ने पशु रखा है या नहीं पता नहीं। अबे तुझे ब्रीडिंग करना है यार, ऐसा मत कर नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएंगी। पता नहीं अपनी काबरी जो है कि कब तक बच्चा देंगी। अब मुझे लग रहा है ज़्यादा दिन नहीं लेंगी, ऐसा देखते हैं अभी हमारी काबरी कब तक बच्चा देती है। हमें जाना था आज प्याज की पत्ती भरने के लिए, लेकिन ऑलरेडी लेट इतना हो गए हैं कि क्या ये बताएं। अभी तक ट्रैक्टर नहीं आया है, अब कब जाएं? तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई कैंसिल कर दे पत्ती भरने का आज। अभी चुप बैठ, बछड़ी बीमार पड़ गई है। हेलो ए, अरे उठ उठ जा, ऐसे कैसे बीमार पड़ गई? तो कम दूध पीना था ना, इतना क्यों पी लिया तूने? हाँ ज्यादा दूध पी लेते हो और फिर ऐसा करते हो यार तुम। पत्ती भर के अभी आए हैं, पत्ती एकदम जबरदस्त। 7 बजे तक दोस्तों ये सो रहा था, फिर पोपट मामा की भैंस की मिल्किंग की, फिर जाके भर के। अभी 9 बज रहे हैं। सो खोटू बोला है यार, मैं भरतन फोन करो तो वकी है काम का नहीं। तू कुछ काम करनी है, ये खाली करेंगे जब पता चलेंगे मैंने कितना भरा है। हाँ पता है, दिख रहा है मेरे को। चल चल चल, ज्ञान मत दे, चल फटाफट से ले आ, लकड़ी ला ले, ये साइड से पकड़। हाँ और इधर आ जा, हमारा धक्का के। फिलहाल जो है कि टोटल पत्ती खाली कर दी और सब टूट पड़े हैं पत्ती पर। आज की पत्ती भाई इस साल की बेस्ट पत्ती है भाई, आज की पत्ती देख लो। ए भाई मिल्किंग कर ले फटाफट से। नहीं यार मैं थक गया यार। क्या थक गया, जल्दी कर यार, दिन भर काम ही रहता है मेरे को। कितना काम रहता है? बहुत काम रहता है। लेकिन आप ऐसे दूध पीती है नहीं, देखते हैं। उठ उठ गौरी, गौरी गौरी उठ उठ गौरी गौरी उठ गौरी। आज जो है कि इसको दूध ज्यादा मत पिलाने तो भगवान को प्यारी हो जाएंगी। ओके उसको किचन में थोड़ा आना चाहिए। नहीं मेरे को लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, देखते हैं। चलो चलो अभी फटाफट से दूध वाली छोड़ दी है, इनको 5-10 मिनट बाद छोड़ेंगे। नाटक नहीं, ग्वारी। फिर उसमें तूने बोला था वही हो रहा है, अभी ग्वारी ही बोल रहे हो उसको।
दूसरा मीनिंग हो रहा है, उसका नाम है गौरी, लेकिन हम प्यार से उसको गौरी बोलते हैं। दो ढाई लीटर दिया, दो ढाई। तो कम क्यों दिया, तू तो 6 लीटर बोल रहा था। 6-7 लीटर गाय दूध देती है, तो उसको दिक्कत आ गई, वो बीमार गिर गई। बीमार नहीं यार, बीमार बोलते यार, कितनी बार समझाओ तेरे को। आप बीमार क्या, बीमार एक ही होता है यार। यार पैर को जख्म हो गई, इधर दिखा था तेरे को। हाँ, पैर को जख्म हो गई दोस्त, खून निकल रहा है, जख्म हो गया। दोस्तों मथुर ने घूम घूम के ना भाई दल्ले के यूं कर दिया, एक दिन ऐसा ही भगवान को प्यारा हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, अभी 2-4 दिन पहले जो है कि भाई मथुर ने जो है कि सुरेश भाई को जमीन से इतना उठा लिया था, इतना ऐसा, वो तो सुरेश भाई उसकी सही से पकड़ में नहीं आया, नहीं तो सुरेश भाई को यूं उछाल के फुटबॉल की तरह उछाल देता। बहुत खतरनाक है, इतना खतरनाक है ना भाई, क्या बताएं। सुरेश भाई पर प्रैंक करते हैं, बोल कैसे, कैसे? सुरेश भाई को पता है कि मथुर जो है मारता है, सुरेश भाई को मारा था उसने, तो प्रैंक करते हैं। मैं उसको बोलूंगा मेरे को मथुर ने, मैंने मथुर को यहाँ पे छोड़ा और मथुर ने मेरे को उठा के फेंक दिया ठीक है, लेकिन उसके लिए रियल लगना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, तो कुछ है नहीं। रियल लगना चाहिए। देखो उसकी मुंह पे ज्यादा नहीं लगा नहीं। ऐसे आप पीठ के बल पड़ा था, पीठ के बल पड़ा, कैसे पड़ा नहीं। आवाज़ उसको आवाज़ सुरेश भाई, क्या यू छूट, मैंने उन्हें को मना किया था मत छोड़ो। अरे वो कहता था हमरो नो राक्षस ने मारने मना कल मार दी ने पड़े खा जा भाई क्यों मने। अरे वो कहले मुख्य मारने पर मानता ना मारो। अरे भाजी बहन के ने तो हूं डाल नु पोंगू आए ओबसा तुम तुम कहता हो गाड़ी मथुरा मुओ दन हा गांडो मुओ हा जा अनिल दोस्तों प्लान, थोड़ा सा कपड़ा वगैरह गंदा हुआ लेकिन प्लान जो है सक्सेसफुल। भाई के पैसे ना देखो, पैसे ना देखो उसके आंखों में आंसू, देखो उसके रो रहा आंख में से आऊ आगे तो भाई के। दोस्तों आप पूरा पागल है, सच में मैं रोने लग गया था। वो देखो दोस्तों उसकी आंख में आऊ आ रहे, देखो आंख में गए। दोस्तों उस दिन उसको भी उठा के पटका था, तो तुझे ऐसा लगा ना कि मथुर नहीं मार सकता है? नहीं मार सकता है वो, क्यों वजह से बोलता वो भी छोड़ के उस दिन मेरे को पटक दिया था। दोस्तों रो रहा है चल चल चल, पूरे कपड़े गंदे कर दिए, कपड़े गंदे हो गए, लेकिन भाई का रिएक्शन, भाई का कसम से दोस्तों भाई के आंखों में से डायरेक्ट आंसू आने लग गए थे, डायरेक्ट आंसू। तो फाइनली जो है कि अपना प्रैंक जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। क्या सक्सेसफुल हो गया, ऐसा कैसा प्रैंक दे रहा, मजा आया? कुछ मजा नहीं आया मेरे को। मेरे को रोना आ गया दोस्तों, ये कसम से रो रहा था, उसकी आंखों में से पानी जा रहा था। मैंने और महेश भाई ने पहले प्लान किया था, मैंने बोला अभी बीच में मथुर ने तेरे को उठा लिया था, मैंने बोला ये सीरियसली लेगा, मेरे को उठा लिया था तो उसको उठा के पटक दिया। मजा आया दोस्तों। मारता है कौन, मारता है मथुर? नहीं मारता, चलिए रखना भाई। अभी जो है कि हमारी टीनू को जो है कि स्कूल जाना है, टीनू आर्यन और ये जो है कि मेरा एक दोस्त का लड़का है, वो मेरा जिगरी यार था, लेकिन दोस्तों क्या बताएं, फिर भाई की शादी हो गई और जब से भाई की शादी हो गई तब से आज तक उसने मेरे को मुंह नहीं दिखाया, झूठ नहीं बोलता हूँ मैं। अभी बच्चा जो है ना वो घर वाले आके छोड़ते हैं क्योंकि अभी वो जॉब पे जाता है, तो आज तक उसने मुंह नहीं दिखाया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। तेरा बाप जो है ना वो मेरा दोस्त था, तो अभी जो है कि मैं इनको इनके स्कूल पे छोड़ के आता हूँ। चलो बैठ जाओ, आंगनवाड़ी में जाते हैं।
चल रही ग्वालियर चला चलो चलो लिलिया महेश भाई सब कुछ छोड़ के गेट लगा दे। अगला प्रैंक जो है कि दोस्तों हम महेश भाई पर करेंगे, लेकिन महेश भाई को कुछ भी कर लो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सुरेश भाई जो है वो उसको भी पड़ता है, उसको सीरियस लगा था भाई सच में मार दिया क्या हा? और उस दिन जो है कि यहीं पे सुरेश भाई को मथुर ने उठा लिया था, तो इसकी वजह से उसको और ज्यादा सच लगा कि नहीं भाई ये सच हो सकता है, मथुर ने मारा भी होगा। मजा आ गया। इसका भरोसा नहीं कर सकते, एक तो भागेंगे तो पीछे लग जाएंगी वो, क्योंकि गाय जो है कि पूरी गई है, अभी महेश भाई लेके गया है वो टंकी की साइड, और ये गाय जो है कि दो तीन दिन से जा नहीं रही, अपनी गाय ने बच्चा भी दिया और गाय के साथ भी जाती है, पर ये जा ही नहीं रही है भाई, जब से बच्चा दिया तब से घर पे ही है, इसको भी घर पे रखना पड़ता है, और ये वाली मामा की जर्सी है उसको भी घर पे रखना पड़ता है, दोनों को रखना पड़ता है घर पे। महेश भाई गया है ग्राउंड के लिए, मुझे वो नेट लेने के लिए जाना था लेकिन आज टाइम मिला नहीं, काम था थोड़ा तो रह गया, अभी देखते हैं कल। बस यहाँ पे लाके भाई ने जो है कि एकदम खड़े कर दिए हैं, भाई के दूसरा कुछ काम है या नहीं, कहीं लेके जाना है या नहीं, अभी अपनी कुटी भी एकदम ठीक हो गई है। ये है हमारी जो कि ऐसे तो मेरी दुश्मन थी लेकिन अभी दोस्त बन गई है, क्या बोलती है हरी भाई? निकल सब, चल चल फटाफट से गाय बांध देते। और लाडो कहाँ जा रही थे? लाडो को अंदर बांधना है। लाडो हेलो 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 आ जाओ। जब से पोपट मामा गए तब से सुरेश भाई शाम को भी मिल्किंग करवाने नहीं आता है और सुबह भी नहीं आता है, बस सिर्फ एक गाय की मिल्किंग करता है अपने नए वाले की, बाकी किसी गाय की मिल्किंग नहीं करता है क्योंकि वो होता ही नहीं है यहाँ पे। हाँ अबे यार लो लो भाग हाई। चलो अभी जो है कि गाय बांध दिया है, अभी फटाफट से मिल्किंग कर लेते हैं, आज जो है कि हमें जाना है एक शादी में, मैं सुरेश भाई, तो फटाफट से आधी गाय की मिल्किंग करेंगे, बाकी गाय की मिल्किंग जो है वो हरी भाई और घर के दूसरे सदस्य कर लेंगे। अगर हम मिल्किंग के लिए रुके तो बहुत लेट हो जाएंगे, तो अभी दो चार गाय की मिल्किंग करवाते हैं फिर तैयार होते हैं फिर चलते हैं। चलो दोस्तों तो फिर आज के लिए बस इतना ही, ब्लॉग अगर पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए, आपकी एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करती है, तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए, लाल कलर का बटन है उसको दबा दीजिए। चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कोई नए ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा।